नमस्ते। आज मैं बनाने जा रही हूँ गुजरात की फेमस डिश खांडवी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कटोरी के बराबर बेसन, और उसमें मैं फेटा हुआ दही ऐड करूँगी 1 कटोरी के बराबर। और इसमें स्वाद अनुसार हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, और इसमें मैं हल्का सा हल्दी कलर के लिए भी ऐड कर रही हूँ। और इसको अच्छे से अब हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। इसमें गांठें बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, तो इसमें अब मैंने ऐड कर लिया है 2 कटोरी के बराबर पानी, और इसका पतला सा घोल बन के तैयार हो गया है। तो इसको अब हम डालेंगे कढ़ाई में और धीमी आंच पर इसको पकने देंगे। इसे हिलाना बिल्कुल भी ना छोड़ें, नहीं तो इसमें गांठें पड़ना शुरू हो जाएंगी, और ये कम से कम 10 या 15 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा। अब देखो ये थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो गया है, और ये बिल्कुल बन के यहाँ पर तैयार हो गया है। तो इसको अब हम गरम गरम प्लेट में हल्का सा तेल लगा के उसमें फैलाना शुरू करेंगे। इस पर मैंने ले लिया है, और इसको मैं आप पतला पतला सा इसको पूरी प्लेट में फैला लूँगी। इसी तरह आप सारी प्लेटों में इसी तरह इसको फैलाएं, और इसे हल्के हाथों से फैला के इसे सूखने दें। देखिए ये अब बिल्कुल सूख गया है, तो इसकी अब हम कटिंग करेंगे। इसका कटिंग करके हम इसी तरह इससे एक किनारे से इसको निकालना शुरू करेंगे गोल गोल करके। तो ये निकलना एकदम शुरू हो गया है, क्योंकि हमने इसके नीचे पे जो तेल लगाया था उसकी उसे चिपक नहीं रहा है, तो सारा निकल जाएगा ये आराम से। तो इसी तरह हम सारे जो खांडवी हमने बनाई है उनको निकाल लेंगे, सारे प्लेट में रख लेंगे इनको। और ये यहाँ पर देखिए सारी खांडवी एकदम बन के तैयार हो गई है। अब हम इसमें लगाएंगे तड़का। तो मैंने 2 चम्मच के करीब तेल ले लिया है, और इसमें मैं सरसों का जो दाने होते हैं उसका तड़का लगा रही हूँ। और इस तड़के को अब हम खांडवी में डालेंगे, और उसके ऊपर आप डालने के बाद हरा धनिया या सूखा नारियल भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी जो खांडवी है वो बनके एकदम तैयार हो गई है, और इसे आप हरी चटनी के साथ या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।